बिलाल साहब का जो ना मोबाइल भी फूट गया था, ठीक है। तो मोबाइल को हम सही करवाने आए हैं और हस्बैंड साहब की तबीयत तो काफी ज्यादा खराब थी। आप लोगों की दुआओं की जो ना खास अपील है आप लोगों से, मुझे लग रहा है आपने ना हमारा मजीद खर्चा करवाना है और आपने फोन लेना नहीं है, ऐसे भी आपके इरादे लगते हैं। बैठा हुआ कैसे है, अल्लाह माफ करे, आजकल के छोटे छोटे जो है ना बच्चे वो भी नवाब, ठीक है। और आप लोग पूछ रहे थे आपके सास ससुर ने, आज जो है ना हमने जिंदगी में पहली बार जो है ना कराची वालों ने देखा खालिस दूध, गाय का भैंस का, भैंस का खालिस दूध जो है ना। गुजरात वालों क्या किया, 3-4 kg मेरा वेट खा गया तुम लोग हैं, गुजरात वालों ने ये किया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम होगा आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर, और अभी हम लोग गुजरात के अंदर ही हैं। अच्छा, और काफी दिनों से, मतलब 2-3 दिनों से हमने ब्लॉग नहीं बनाया, वजह ये है कि हम दोनों बीमार हो गए, हस्बैंड वाइफ दोनों बीमार थे और हस्बैंड साहब की तबीयत तो काफी ज्यादा खराब थी। आप लोगों की दुआओं की जो है ना खास अपील है आप लोगों से कि आप लोग दुआ करें कि हम लोग जो है ना ठीक ठाक हो जाएं। और आप लोगों को पता है, रिश्तेदारों वालों को पता होगा कि बहुत से रिश्तेदार आप लोगों से प्यार भी करते हैं और बहुत से हसरत रिश्तेदार भी होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी नजरें लग गई थी, बाकी खैर कुछ जो है ना माहौल का असर भी है। अभी हम लोग आए हैं मार्केट के अंदर क्योंकि बिलाल साहब का जो है ना मोबाइल भी फूट गया था, ठीक है। तो मोबाइल को हम सही करवाने आए हैं, अभी मार्केट में गुजरात की मार्केट में हम लूर लूर कर रहे हैं, पैनल डलवाना है हम लोगों ने। और अभी देखें बिलाल साहब, आपने अस्सलाम वालेकुम नहीं करना, मेरी तरफ से जी सबको अस्सलाम वालेकुम जी। और आप इनके चेहरे पर जरा नजर मारें, आप लोगों को हाल अहवाल पता चल जाएगा कि इनका जो ना यहाँ से पूरा पक चुका है मुंह, और क्या कहते हैं फीवर ब्लिस्टर्स हो गए, दाने नहीं होते जो बुखार की वजह से होते हैं वो हुए हैं। अभी चलो देखते हैं कोई मोबाइल शॉप, बेचारे को बात भी नहीं करने दी मैंने, कर लो। नहीं नहीं, मेरी तबीयत गाइस बहुत ज्यादा खराब है, उसकी वजह से ना मैं थोड़ा ना ठीक है, खराब हो गया मुंह भी खराब। चलो फिर डब्बा बांध ही रखो, मैं आप पे कर लेनी गल। गाइस अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करना, दुआ ढेर सारी करना, ठीक है, ताकि हम लोग जो है ना सेहतमंद हो जाए आप लोगों की दुआओं के साथ। मीनवाइल तो गाइस ये हाईटेक मार्केट थी, यहाँ पे किसी ने हमें बताया कि भाई आप लोगों को यहाँ पे पैनल मिल जाएगा, मगर ब्लास्ट साहब का पैनल जो है ना, पैनल क्या फोन ही पड़ा नया किस्म का है कि मतलब इसका कवर नहीं मिलता है, इसकी ऊपर से प्रोटेक्टर शीट नहीं मिलती, तो कहाँ इसका पैनल मिलेगा है ब्लास्ट साहब। मुझे लग रहा है आपने ना हमारा मजीद खर्चा करवाना है और आपने फोन लेना नहीं है, ऐसे भी आपके इरादे लगते हैं। डाटा बहुत है, मेन डाटा के लिए जो है ना फार हो रहे हैं हम। अभी इन्होंने बताया कि भाई गुजारे मदीना के वहाँ पर जो है ना कुछ जगह, तो वहाँ से हमें मिल जाएगा, क्योंकि देखो वहाँ का चक्कर लगा के देखते हैं क्या हिसाब किताब है। और आप लोग बताना अगर आप लोग गुजरात में रहते हैं और आप लोगों को पता है कोई ऐसी जगह जहाँ से जो है ना मोबाइल रुपये हो जाते हैं, तो आप लोग बताना, बाकी जो किस्मत या नसीब आज होता है कि नहीं होता, देखते हैं क्या चक्कर है, ठीक है। तो अभी चल रहे हैं हम लोग, देखें भाई बाजार के हालात, और ऐसे बिलाल साहब के हालात बिल्कुल जो है ना साजगार नहीं है, सारा इनका मुँह पका हुआ जैसे कि आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है। डॉक्टर के भी चक्कर लग रहे हैं रोजाना लगातार, हैं बिलाल साहब, आज फिर टीके पे टीका लगे जा रहा है जी। हमारे हस्बैंड साहब का अबाई गांव है, अबाई गांव सॉरी माजरत के साथ कह रही हूँ, अबाई शहर है, ये फवारा चौक है, फवारा देख लो आप लोग, ऐसा फवारा फूट रहा है, ठीक है। टाइम पे नहीं था, चलता भी चल रहा है, अभी आपके टाइम पे नहीं चलता था, तो चले भैया आपके इस्तकबाल के अंदर जाना ये चलने लग गया। और गाइस यकीन करो कि ना इतनी का गर्मी है पंजाब में कि बंदा बोले अल्लाह माफ करे, आज मौसम सेट है, आज थोड़ा सा सेट है, इतना भी सेट नहीं है यहाँ पे यार, बारिश देखने को नहीं मिली, बस स्टार्टिंग में जो तूफान आया था उसके बाद कुछ नहीं आया, ठीक है। तो बस वही तूफान आया था, हम तो सोच रहे जाएंगे बारिश देखेंगे, मगर ऐसा कोई सीन नहीं है, दबा के गर्मी रहेगी। और यार कराची का मौसम ऐसा होता है दिन भर गर्मी पड़ती रहती है मगर रात ठंडी हो जाती है, यहाँ पे ऐसा कोई हिसाब नहीं है, यहाँ पे रात भी ऐसा लगता है जैसे लू का थपेड़े पड़ रहे हैं, आपको पिटाई हो जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो, ऐसा ही ना कुछ कहने दो, तो बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है कि बता नहीं सकते, और इसी वजह से हमारी तरह हालतें वो ना साजगार हो रही। A few minutes later. तो गाइस अभी प्लान बना है हमारा कि कब्रिस्तान जाना है, बिलाल साहब की वालदा की कब्र है, तो यहाँ पे अब लेने गए हैं फूल लेकर आते हैं, तो फिर हम चलते हैं कब्रिस्तान, क्योंकि हमारा जो है ना टाइम पीरियड वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, और जो है कब्रिस्तान का काम हम पहले निबेड़ लेते हैं, ताकि फिर जो है ना आराम सुकून से मोबाइल का पैनल वाला काम करवा लेंगे। अच्छा, तो गाइस आधा घंटा हो गया फिरे जा रहे कब्रिस्तान ही नहीं आगे दे रहा, क्या हिसाब किताब है मियाँ, आ जाएगा मेरी जान, वेट करो। ये देखो, ये इसको देखो नवाब, आए बैठा हुआ कैसे है, अल्लाह माफ करे, आजकल के छोटे छोटे जो है ना बच्चे वो भी नवाब, माँ पे सिर देते हैं, माँ पे नवाब होना ना, उधर सूरज गुरूब होने वाला है और उस टाइम पे तुम जा रहे हो कब्रिस्तान, सारा दिन जड़ा हुआ सुते होता है, सूरज का चेक करो नजारा जा रहा है वो, गुड बाय। अभी हम लोग वहाँ पे आ गए जहाँ पे हम लोगों का पहले ससुराल होता था, जिस मोहल्ले में हम पहले रहते थे, अभी वहाँ से हम गुजर रहे हैं, ठीक है। अहमदाज साहब यादें आ रही हैं, गाइस हम लोग शादमान से गुजर रहे हैं, जो जो बंदा हमारी शादमान से वीडियो देख रहा है सबसे पहले लाइक करे और कमेंट भी जरूर करे, गुजरात शादमान, वाह जी वाह। अभी आप लोग ये देखो नजारा, अपन जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहीं पर जो है ना मम्मी का कब्रिस्तान भी है, यहाँ पे वो दफन है, ठीक है। और आप लोग पूछ रहे थे आपके सास ससुर नहीं, नहीं भाई मेरे सास ससुर नहीं है, मेरी सास की जो है ना काफी अर्से पहले डेथ हो गई थी, काफी साल पहले, और मेरे ससुर जो है ना वो पिछले साल फौत हुए हैं, तब हम आए थे यहाँ पे पंजाब में, मगर अभी जो है ना वो दोनों हमारे सरों पर सलामत नहीं है, अल्लाह ताला उनको जो है ना जन्नत में आना मुकाम दे, आमीन। Meanwhile, गाइस हम लोग फाइनली आ गए हैं जहाँ पे बिलाल साहब की अम्मी की तदफीन हुई हुई है,
कब्र है जहाँ पे इनकी। अभी हम लोग चलते हैं कब्रिस्तान के अंदर, दुआ फातिहा करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। हाँ जी, फूल लेकर आए हैं, अपनी मामा के से मिलने आए हैं। ठीक है, हम बेशक से उनको ना देख सके मगर वो लोग देख सकते हैं हमें। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं, जल्दी जल्दी से दुआ फातिहा करते हैं। आपको मैं एक दफ़ा कब्र उनकी दिखा दूँ, फिर हम जो है ना दुआ फातिहा करके घर की तरफ चलेंगे। ठीक है, आप लोग भी जो कहना कह रहे थे अपने सास ससुर से मिलवाओ, तो जो है ना हम आपको उनकी कब्र दिखा देते हैं। A few moments later. तो गाइस बिलाल साहब जो है ना वहाँ पे बैठ के अपनी वालदा से बातें कर रहे हैं। ठीक है, और हम जो है ना हम यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि मुझे जाना लड़के ने बहुत सताया हुआ है, और माँ जो है ना वैसी अजीम हस्ती होती है कि बंदा जहाँ भी जिस एज में भी हो ना माँ की कमी बहुत फील होती है। और यहाँ पर ये देखो ये बंदा मुझे कितना सता रहा है, बे बे क्या है बे बे। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका कि वो आराम सुकून से जो है ना फातिहा करके आ जाए। मैंने दुआ कर ली है तुम्हारी, तो ऐसी की तैसी कत्ता कत्ता कत्ता। और ये देखें कहता है नीचे उतारो और मैं जा रहा हूँ, वो जा रहा है मिसना। 2000 years later. अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे दही भल्ले का, दही भल्ले इनका बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो खा के आते हैं दही भल्ले। तो मैं टेस्ट करके बताते हैं कैसे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे ना दही भल्ले की चाट लैदा होती है, यहाँ पे इस तरह फुल्कियों वाली चाट होती है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ठीक है, अभी चेक करके बताते हैं कैसे हैं, और काफ़ी ज़्यादा सलाद भी ऊपर डाला है। ठीक है मैं, आप बताओ कैसी हैं। और ये कचहरी चौक में गेस्ट करें कौन सी स्पेशल दुकान है, जो जो गुजरात में देख रहे हैं पता होगा कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो मैं आपको नहीं बताने वाली, आप लोग खुद देख के बताना। ठीक है, और मुँह में पानी आ रहा है, यकीन करो बहुत मजे की लग रही है। चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Meanwhile, अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ से, कचहरी रोड से हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शीशों वाले दरवाजे की शीशों वाला दरवाजा, क्योंकि अभी हम लोगों ने ना पैनल वाला काम करवाना है जरूरी, क्योंकि इनका जो है ना काम अटका हुआ है, पता नहीं होता है कि नहीं होता। हाँ जी, काफी ब्रांड्स आ गई हैं यहाँ पे, पहले जब हम लोग यहाँ पे रहते थे उतनी ज्यादा ब्रांड्स नहीं थी, काफी तरक्की हो गई। ये सारी थी उसमें, उस टाइम ये सारी पेस पे ब्रांडेड थी। अच्छा, पेस जो है ना वो जड़ गई है, अब बाहर आ गई है ब्रांडेड। ठीक है, तो काफी अच्छा जो है ना यहाँ पे भी ड्रेसेस की कलेक्शन है। आप लोग अगर यहाँ पे रहते हो तो आप लोगों को काफी हद तक पता होगा, मगर ज्यादातर जो है ना वो बड़े शहरों में रहता है। ठीक है ना, तो ज्यादातर जो है ना माल गोदाम वो अपन के शहर में, हमारे शहर में। आपको लग गया सदमा क्या लगाया है? सुबह छुट्टी नहीं है, सदमा ये लगा है कि इनके मोबाइल का पैनल किसी बंदे के पास नहीं है भाई। ऐडी वड्डी मार्केट है, वे लो सारे ये मार्केट है, मगर इनके मोबाइल के मॉडल का पैनल किसी के पास नहीं है। सब बैठो यार, छोड़ो, मोय हो गया, देखते हैं कराची जाके। तो गाइस यहाँ से मतलब फ्लॉप हो गया काम, अब कराची जाके होता है। मुझे नहीं लगता है कराची से भी पैनल मिलेगा, शाजो नादिर ही मिले तुम्हें, मिल जाएगा यार। तो गाइस अभी हम लोग थकार के चलने लगे हैं घर, और ये नन्हे मियाँ सो गए हैं, इतनी मस्तियाँ करने के बाद ये सोए हैं कि अल्लाह खैर करे, घर तक जाते हुए सोए रहे। और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना। ठीक है, चलते हैं अभी घर की तरफ। ओके, सो गाइस वेलकम बैक होम, और अभी हमारे खाने में बने हैं वाइट उबले हुए चावल, और साथ में बनी है मसर की दाल, ब्लैक मसर भी से कहा जाता है। तो अभी हम लोग डालते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं खाना, और तकदीरों लाइन तो लगी हुई है ज्यादा भूख, ये अपना जाना खाना खा रहा है, इनको खासी भूख लगी हुई है। और अब हम लोग डालते हैं खाना, सारे घर वाले खाना एंजॉय करते हैं। तब तक आप लोग ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करना। ठीक है, खाने के बाद आप लोगों से बात होगी। तो गाइस आज जो है ना हमने जिंदगी में पहली बार जो है ना कराची वालों ने देखा खालिस दूध, गाय का भैंस का, भैंस का खालिस दूध जो है ना मेरी नंद लेकर आई है। देखो जरा, अभी हम लोग जो है ना इसकी चाय बनाने वाले हैं, तो चाय मैडम कैसे बनानी है हमको बता दो जरा। चलो भाई, अभी चाय किस तरह बनानी है जरा हमें गाइड करो। इसको ना डाले ना सॉस पैन में, एक ग्लास के भर के डाल दें, अपने भाई के दोनों कितना, नहीं भाई को रहने दो अपन दोनों पी लेते हैं। चलो बाकी वैसे उबाला आने पर करना है, तो अभी हम लोग चाय बनाते हैं इस दूध की। ठीक है, कराची में तो ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती भाई, हर चीज जो है ना मिलावटी मिलती है, और हमें जो है ना आज पहली बार जो है वो खालिस दूध देखने को मिला भाई। कराची में जितने पैसे आप पे कर लो गारंटी नहीं होती भाई ये चीज खालिस है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अस्सलाम वालेकुम, देखो कैसे बैठा है। चलो ना ठीक है, क्या टाइम हो गया भाई? वो आपकी बहन साहिबा जो है ना वो भैंस का दूध लेकर आई है, हमें जो है ना जबरदस्त चाय बना के दे रही हैं। चाय बना के नहीं दे रही, कह रहे भाभी खुद ही बना लो, मैं थक गई हूँ। तो भाई इन्होंने रोटी भी नहीं खाई हुई, क्यों जी? हमने रोटी खा ली है ना, हम लोगों ने खा लिया, तो हम लोग चाय पे, तुमने चाय पीनी है ना? चाय नहीं पीती है, तो भाई हम लोग तो चाय पियेंगे, और अभी देखते हैं चाय का क्या हिसाब किताब है। नवे कले कम ने साढ़े सन कोई समझ नहीं पिया, कभी कहती है दूध उबालो, कभी कहती है चाय उबालो, क्या सिस्टम है ये? देखो जरा मुझे पजल कर दिया इसने। अभी हम इसको ऑन करने लगे, अभी हमने पूरा ही जो है ना पतीला चढ़ा दिया ऊपर। तो भाई गैस गई, तो मतलब गैस गई यहाँ पे पंजाब में भी गैस गई भाई। तो अभी सिलेंडर रखा हुआ है ना, इनको डर नहीं लगता, बड़े जिगरे वाले माशाल्लाह बंदे, हम लोग जो है ना जरा डरपोकल से बंदे, इसलिए हम लोगों ने कोई नहीं रखा हुआ सिलेंडर। हम लोग कहते हैं ना 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 फट ना जाए, क्योंकि हमारे घर में ना
तूफान मौजूद है तकी साहब की शक्ल में, ठीक है ना। तो बस ये मसला है, इस वजह से हम लोग सिलेंडर से दूर भागते हैं। A few inches later, फाइनली हम लोग फिर एक बार आ गए हैं बाहर। और कहाँ पर आए हैं हम लोग? डॉक्टर के पास। अल्लाह का वास्ता डॉक्टर को बोलो कि भाई अब बस करें, हम लोगों ने जाना है। तो भाई मैंने वापसी चक्कर में चक्कर चक्कर में चक्कर जाना, ठीक है? अभी ना कोई ऐसा टीका लगाओ बिल्कुल ना सेट हो जाए भाग जाए हम लोग कराची, ठीक है? हाँ भाग नहीं जाए, ट्रेन पे बैठ के अब वो भी भाग जाए, ठीक है? आज मुझे बोलते हैं बस हो गए, मेरा भी 3-4 kg वेट कम हो गया। हाँ टेंडन अंदर भाग। गुजरात वालों क्या किया, 3-4 kg मेरा वेट खा गया तुम लोग हैं? गुजरात वालों ने ये किया, समझ रहे हो ना? ये क्या? बस समझ जाएंगी वो मेरी सिस्टर्स जिनके जो है ना ऐसे रिश्तेदार हैं, समझ गई होगी तो कमेंट में जरूर बताना अगर समझ गई हो। लिखो कोई हाल नहीं ऐसे रिश्तेदारों का। तो चलो ये देखो ये नंगे पैर भाग रहे हैं। ओ भाई मीनवाइल हम लोग फारिग हो गए डॉक्टर के पास, और अभी हम लोगों ने सोचा कि भाई इतनी बीमारी के बाद थोड़ा दिमाग को जो है ना फ्रेश करते हैं, थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। हमारा शहर तो वैसे छोटा सा ही है मगर कोई बात नहीं, हम खींच के लंबा कर लेते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। क्यों बुला साहब? आज हम वो वाला टूर काटने वाले हैं जो हम जवानी के दौर में लड़कों के साथ टूर काटते थे, वो आज बेगम के साथ काटेंगे। बेगम के साथ? हाँ। तो चलो गाइस हम लोग चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। भूख आलम है, देख लो सड़क सुनसान आई है। अभी हम लोग सर्विस फैक्ट्री के पास से गुजर रहे हैं, यकीन करो यहाँ पे रबड़ की इतनी गंदी बू आ रही है टायरों की। यहाँ पे इनकी जो है ना सबसे बड़ी फैक्ट्री है, सर्विस फैक्ट्री है जो इनके शहर में है। हैं गुलाब साहिब वो डिटेल नहीं बताएंगे, अजीब बंदा है, डिटेल भी कुछ नहीं बता रहा। तो अभी इस टाइम पे जाना वर्कर्स वगैरह की नाइट शिफ्ट आ रही है भाई, और जो पुराने वर्कर्स है वो जा रहे हैं और हम लोग जाना सड़क किनारे लूरम कतूरम कर रहे हैं गाइस। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो। बीमारों की वीडियो आज लाइक तो बनता है, ठीक है? क्यों जी बीमार बंदा है ये वाला ना, ठीक है? जो टूर इसे मैं कटा रहा हूँ ना, हम लोग जब थे ना तकरीबन 14-15 साल के दोस्तों के साथ रात के टाइम ये टूर काटते होते थे, तो मैंने कहा बेगम को कटा दे। वाह जी बेगम को भी कटा दूँ टूर। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सड़क पे, हमें नहीं पता कहाँ जाना है, तो बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। शहर से बाहर जाना है क्या? नहीं यूँ हो गया। और हम लोग जहाँ भी ऐसे जाना सुकून के माहौल में रहे हैं आराम आराम से, साइकिल या गधा गाड़ी वाला भी ना हमसे आगे निकल जाएगा। जब बेइज्जती है सी बात है, देखो गड्डियाँ वाले गधा गड्डियाँ वाले सारे टूर नस गए, ये कौन सी जगह आपने डाल लिया है? पेस के पास तो गए। जब मैं नई नई शादी होकर आई थी ना तो मैंने बड़ा इनको बोला था मुझे पेस घुमा दो पेस घुमा दो, मजाल है जो इस बंदे ने मुझे दिखाया हो, जिस तरह मुझे मरी का लारा लगाया था, मरी दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है? क्या कहते हैं हनीमून पे मरी लेके जाऊंगा, मर गई मैं पर मरी ना है ना। धीरू लाल साहब जो है ना वो सो गए हैं और हमारी लॉन्ग ड्राइव भी खत्म हो चुकी है, अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ, ठीक है? आज के ब्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पर एंड। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।